वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में जिला अदालत से पूजा पाठ की इजाजत मिलने के बाद देर रात कमिश्नर द्वारा यहां पूजा कराई गई है। कोर्ट के फैसले के कुछ घंटों बाद ही प्रशासन की ओर से यहां पूजा की तैयारियां शुरू करा दी गई। काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों और मुख्य पुजारी की देखरेख में पूजा कराई गई है। वाराणसी के DMS राजलिंगम ने व्यास जी के तहखाने में पूजा सम्पन्न कराए जाने की जानकारी दी। पूजा के बाद बाहर आते हुए उन्होंने बताया कि कोर्ट की ओर से जो आदेश दिया गया था उसका पालन कराया गया है। इस बीच ज्ञानवापी परिसर और काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। माननीय न्यायालय का जो ऑर्डर है उसकी कंप्लेंट किया गया। कोर्ट ऑर्डर की कंप्लेंट किया गया। कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट ने जो बोला है उसकी कंप्लेंट किया गया। लॉ एंड ऑर्डर के इंतजाम है पूरे, सुरक्षा की व्यवस्था है, अधिकारी ड्यूटी पर है और अच्छी व्यवस्था रहेगी। व्यास जी कल कितने बजे पूजा हुई और क्या क्या विधि पूजा में? कल पूजा 12:30 बजे शुरू हुई है, समझ लीजिए 1:15 बजे तक चला, समझ रहे हैं। और वहाँ मंदिर के 5 पुजारी थे, हम लोग मौजूद थे, व्यास परिवार के लोग वहाँ पर, गणेश्वर शास्त्री जी थे और मूथा जैन जी थे जिस कमिश्नर, और आशलिंगम DM साहब भी थे और मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा, ये लोग वहाँ मौजूद थे। कैसे पूजा हुई, क्या क्या पूजा में इस्तेमाल हुआ? पूजा में क्या इस्तेमाल होगा, पहले जो हम लोग उसमें प्रवेश किए तो गंगा जल से सब शुद्धिकरण हुआ, छिड़का गया सब जगह जो है। उसके बाद जो आकृतियाँ बनी हुई थी उनको जो है प्रयुक्त किया गया खम्भों में, फिर उसके बाद पूजा शुरू हुई, फूल अक्षत से पूजा उनका शुरू हुआ खम्भों में। फिर जो आकृतियाँ वहाँ थी क्षतिग्रस्त जो है कि जो है वहाँ पर, जैसे कि मगरमच्छ की मूर्ति है और जो है समझ लीजिए कि कुछ क्षतिग्रस्त मूर्तियाँ हैं संक्रमण प्रति की, उन सबों का पूजन जो वहाँ शुरू हुआ। उसके बाद पूजन शुरू हुआ स्वास्थ्य वचन से, समझ लीजिए धूप गंध अक्षत माला फूल, ये सबसे पूजन का शुरू हुआ। प्रसाद में क्या क्या चढ़ाया? प्रसाद में मीठा चढ़ाया गया, भोग लगता है नैवेद्य का, ये सब होता है, दूध चढ़ाया जाता है, यही सब है, धतूरा है, माला है, फूल है, सब चढ़ता है। प्रसाद वितरण भी किया गया? तो मान लीजिए तो प्रसाद तो वितरण किया जाएगा, अब तो क्या प्रसाद थोड़ी खा ले। सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, किसकी पूजा होती है? गणेश जी की हुई थी वो तो मंत्र द्वारा गणेश जी की पूजा हुई, मंत्र द्वारा पूजा होती है। सुमखश्च कदंतश्च कपिलो गजकर्ण कहा लम्बोक विट्टो मासुम का धूम कदम राधो भाल चंद्र गजान द्वार सैतान नामानी है पृथ्वी विद्या में बुआ जा प्रवेश ही नहीं संग्राम क्या थे। तो गणेश जी का पूजन तो मंत्र से भी हो सकता है, मंत्र से हुआ। कौन कौन विग्रह थे अभी जो स्थापित हुए हैं? जो विग्रह है स्थापित नहीं हुए हैं वो तो, जो विग्रह थे कौन कौन से विग्रह हुए बता तो रहा हूँ आपको मैं। मगरमक्ष की मूर्ति थी, स्वास्थ्य के निशान बने हुए हैं खम्भों में, और जो वहाँ सतगंध मूर्तियाँ थी और जो श्रीलिंग है उन सबों की पूजा हुआ। अच्छा, 31 साल बाद का इंतजार खत्म हुआ है व्यास जी अपने परिवार का, क्या कहना चाहेंगे? इसमें क्या कहना चाहें, हम लोग परिवार तो खुशी है ही है भाई, हमारा जो है चीज़ हम लोग को अंदर जाने को मिला, पूजा करने को मिलेगा, और क्या खुशी, उससे बढ़ के खुशी क्या है। हमारे पूर्वजों का इतना जो है कि परिश्रम जो है फल दे रहा है, और क्या है। जी एक सवाल और कि अब नियमित पूजन पद्धति जो है प्रशासन से कुछ बातचीत हुई कि कब से शुरू करना? नहीं, ये तो अभी प्रशासन ने नहीं अभी कुछ बोला है, लेकिन एक हफ्ते का बोला है कि एक हफ्ते का अब आदेश जो है देखिए आएगा, एक हफ्ते में एक हफ्ते से नियमित पूजा होगी, लेकिन अब जो प्रतिदिन तो पूजा होगा ही, अब भोग आरती होगी। हाँ, तो प्रशासन के ऊपर है, अब देखिए जब वो अपना कहे, अभी हम लोगों को इसकी सूचना नहीं दी। किसी मंदिर की क्या परिस्थिति कि एक बार पूजन हो गया? हाँ, तो रेगुलर होता है। हाँ, रेगुलर होता है, अब वो कराएंगे जैसा भी होगा, अब तो प्रशासन के ऊपर है, वहाँ ट्रस्ट जो है ट्रस्ट वाले पूजा कराए हैं, ट्रस्ट वालों के अधीन है, तो अब कराएंगे पूजा। हम लोग को वहाँ रहेंगे, सारा अधिकार तो हम लोगों को है ही है, अब उनके पास थोड़ी कोई डॉक्यूमेंट तो कोई कागज़ थोड़ी इनके पास, कुछ ना तो उनके पास वहाँ का।